भूपेंद्र हुड्डा जी को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की गतिविधियां रोहतक और आसपास के इलाके में पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी और पूरा हुड्डा परिवार उससे कहीं ना कहीं इनसिक्योर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। वो लगातार हमारी गतिविधियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि सबसे ज्यादा डेंट उनको इस इलाके के अंदर हो रहा है। जो हुड्डा साहब ये कहते थे, ये मेरा गढ़ है और अब मैं पूरे हरियाणा को जाके संभालूंगा, पूरे हरियाणा में प्रचार करूंगा, वो पूरा हुड्डा परिवार पिछले कुछ दिनों से और अगले कुछ दिनों का अगर आप कार्यक्रम देखेंगे तो रोहतक और आसपास के इलाके में सिमट के रह गया। दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे महम के जो कार्यक्रम हुए जिसमें पंजाब के मंत्री भी आए, पिछले कई कार्यक्रम हुए, उससे घबराए हुए दीपेंद्र हुड्डा जी महम में घर घर जाके लोगों से माफी मांग रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, उनको ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारा साथ मत छोड़िए, हमारा साथ छोड़ के मत जाइए। भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो कहते थे कि मुझे तो गढ़ी सांपला किलोई में जाने की जरूरत नहीं है, घर है वहां से तो मैं ऐसे ही जीत के आ जाऊंगा, गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। जैसे ही उनको पता लगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का इन सब गांवों का लगभग हमारा एक प्लान तैयार था और उस प्लान के आधार पर हम इन गांवों में जाके, मैं आपको जिन गांवों का हमारा प्लान था मैं उनका नाम भी आपको बता रहा हूं कि घिलोड़, खिड़वाली, रिठाल, चिड़ी, ये सारे गांव ऐसे हैं जहां पे हमारे कार्यक्रम तय थे और हम यहां गांव गांव जाके लोगों को बताने वाले थे कि हुड्डा साहब ने अपने समय में इन गांवों में कुछ दलालों को नियुक्त करके जिस तरीके से नौकरियों में पैसा खाया है उसकी पोल खोलने के लिए इन गांवों में हम कार्यक्रम करने वाले थे। हुड्डा साहब उससे बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 3 दिन का दौरा रखा है, अलग अलग गांवों में 3 दिन के लिए वो यहां पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको सुरक्षित नजर नहीं आ रही, जहां जाके उनको घर घर जाके अपने लोगों को मनाना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अब मुख्यमंत्री की रेस खुद ब खुद छोड़ रहे हैं, खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभाल रहे हैं, अपनी राजनीतिक विरासत अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सिमट के रह गए हैं। पूरा हुड्डा परिवार यहां पे लगा हुआ है, दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी और आशा हुड्डा जी तीनों रोहतक में मौजूद हैं, अगले कुछ दिनों के कार्यक्रम भी उनके यहीं के हैं। तो मुझे लगता है कि जमीन खिसकती जब नजर आती है और उनको जब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग में एक लंबे दौर तक जो उन्होंने राजनीति की उसका अंत समय आ गया है, आम आदमी पार्टी के आने से वो सेटिंग टूट गई है पूरी तरह से और लोगों को अब पता चल गया है कि उनके लिए मूलभूत सुविधाओं को लेकर कौन काम कर सकता है, इसलिए अब बौखलाहट में अपनी जमीन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं खुला निमंत्रण देता हूं, हुड्डा साहब इन सब गांव में जा रहे हैं, समझाएं लोगों को, उन्होंने राज किया है यहां पे, यहां से मुख्यमंत्री रहे 10 साल तक, तो समझाएं लोगों को कि उन्हें लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है। हम भी जाएंगे अपने कार्यक्रमों में इन्हीं सब गांव में और हम लोगों को बताएंगे कि जब हुड्डा साहब का राज होता था तो कैसे अपने ही राज में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को अपने नियुक्त किए गए दलालों के जरिए पैसा लूट लूट के ठगा है हुड्डा साहब ने। हम भी इनकी पोल खोलने के लिए